नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो भाई हमारे साथ फोन कॉल पे हैं, धरती पटना से है, जिन्होंने की अहमदाबाद जोन से फॉर्म फिलअप किया था और इनका मुंबई ग्रैंड रोड में डीबी और मेडिकल हुआ है। तो ये अपना डिटेल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि ये कैसे पटना से मुंबई पहुंचे, कौन से ट्रेन से और कितने बजे पहुंचे और क्या पूरा इनका डिटेल प्रोसेस हुआ डीबी का, क्या पूरा मेडिकल का प्रोसेस हुआ, ताकि जितने भी बच्चे अभी जाने वाले हैं डीवी के लिए मुंबई जोन के हो या इंडिया का अदर जोन के भी, उनका हेल्प हो सके। उससे पहले धर्मेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय भी निकाला सारे बच्चों के लिए, ताकि सारे बच्चों का हेल्प हो सके। तो अगली आवाज धर्मेंद्र जी की। जी सर, बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम सर मुझसे बात करने के लिए। बताइए धर्मेंद्र जी, कैसा आपका मतलब जर्नी, आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे आपका क्या क्या प्रोसेस चला? सर मैं पटना से सर गया था, एक सुविधा एक्सप्रेस चलता है वहाँ वलसाड के लिए, तो मैं सर पटना से राजेंद्र नगर टर्मिनल से पकड़ा था गाड़ी, तो वलसाड पहुंचा था। फिर वहाँ से एक लोकल ट्रेन पकड़ कर मैं मुंबई सेंट्रल पहुंचा। ओके। और फिर मुंबई सेंट्रल से भी एक लोकल ट्रेन पकड़ा, तो फिर 5 मिनट का रास्ता था, तो ग्रांड रोड में पहुंच गया। और जहाँ मैं उतरा था ग्रांड रोड, उसके जस्ट बगल में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, मतलब रेलवे रिक्वायरमेंट सेल का ऑफिस था, तो वहीं मेरा सर सबसे पहले हम वहाँ पे सुबह एक दिन पहले सर पहुंच गए थे वहाँ पे। तो मैं अगल बगल में एक रूम था जो मतलब 400 रुपए लेकर वो लोग बेड दे रहे थे, तो मैंने वहाँ पे 400 रुपए पे कर बेड लिया और एक रात वहाँ पे गुजारा। और उसके बाद मेरा 9 बजे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था सर वहीं ग्रांट रोड के पास। तो मैं सुबह में 5 बजे ही जाकर सर लाइन में लग गया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चा वहाँ आ जाते हैं, तो बहुत भीड़ था, तो मतलब मैं लगभग 20 नंबर लाइन पे था। तो फिर सबसे पहले मैं जब अंदर गया तो मतलब सर 9 बजे उस पर समय दिया है, लेकिन हमारे हिसाब से सर 8 बजे से ही हमारे पूरी प्रक्रिया चालू हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम जब अंदर गए तो मतलब हम लोगों को एक फॉर्म दिया गया, 2 फॉर्म दिया गया फिलअप करने के लिए। तो उसमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म था जिसमें प्रमाण करना था कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा अगर कोई गलती इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा तो निरस्त की जा सकती है। और एक फॉर्म था सर जो जॉब कहाँ आपको करनी है, तो उसका एक फॉर्म था, उसमें 6 ऑप्शन मिल रहा है, तो 6 ऑप्शन में एक बड़ोदरा का था और एक वलसाड का था और 4 मुंबई का ही था। तो हम लोग सब फिलअप कर दिए। आपने क्या फिलअप किया, क्या क्या फिलअप किया? तो सबसे पहले तो सर मैं अपना फिलअप किया था फर्स्ट में मुंबई ही, और सेकंड किया था अहमदाबाद, और तीसरा किया था बड़ोदरा, और चौथा रतलाम, और पांचवा भावनगर, और उसके बाद एक राजकोट था, तो वहां पे छठा। अच्छा जी, मतलब मन बना के गए थे कि मुंबई में ही जॉब करना है? नहीं जी सर, सोचे थे कि फिर आगे तैयारी भी करना है। तो अच्छा चलिए, उसके बाद क्या हुआ धर्मेंद्र जी? तो सर जब फॉर्म फिलअप कर लिए तो उसके बाद हम लोग को बुलाया गया, उसके मतलब वहीं पे सर लोग बैठे थे, 3-3 सर थे वहाँ पे। तो हम लोग को बोला गया कि आप लोग बायोमेट्रिक अब दीजिए। तो वहाँ पे हमको सर डर था कि बायोमेट्रिक में तो डेली 15-20 बच्चा वहाँ पे छट रहा था सर, जब हम कल एक दिन पहले भी गए तो देखे थे। अच्छा, तो बायोमेट्रिक में डेली सर 15-16 लड़का निकल रहा था, हम लोग ग्रुप से भी सर 10-15 लड़का निकल गया था। अच्छा, तो हमको भी थोड़ा डर था कि कोई दिक्कत ना हो जाए, लेकिन हम जब गए तो थोड़ा सा रखे तो अपने बोल दिए कि नहीं आपका हो गया। दिल पे सांस में सांस आया होगा? नहीं। हाँ सर बहुत डर था, लेकिन जब देखते बार में बोले कि आपका हो गया है। अच्छा जी, फिर तो 90% काम हो गया क्या? हाँ सर, 90% काम हो गया। अच्छा, और फिर वहां से सर मतलब जस्ट बगल में ही उनका एक और ऑफिस था, तो उसमें हम लोग को लेकर भेज दिए, और आधार कार्ड और मतलब पीटी का वही जो एडमिट कार्ड था उसका रोल नंबर लिए, और कंप्यूटर पे अपना मतलब लिखे, तो मेरा सब स्टेटस क्वालिफाई लिखा। अच्छा, और उसपे एक मोहर लगाए वो। और उसके बाद बोले कि अपना आधार कार्ड जाकर यहाँ पे चेक कराइए, और वहाँ से आधार कार्ड चेक किया लोग। अच्छा, और उसके बाद मुझे बोला लोग कि सेक्शन नंबर 1F था रूम। तो आधार कार्ड में क्या चेक किया, मतलब मैं समझा नहीं? मतलब सर आधार कार्ड में नाम और पापा का नाम मिला रहा था लोग एडमिट कार्ड से, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला एडमिट कार्ड था। अच्छा अच्छा जी, मतलब उसको एप्लीकेशन फॉर्म से नहीं ना मिला रहा था कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या डेटा फिलअप किया है? नहीं सर, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एप्लीकेशन फॉर्म में जो फिलअप किया होगा वही चीज एडमिट कार्ड में आया होगा, तो एडमिट कार्ड से मिला है एप्लीकेशन फॉर्म से मिला है, बात बराबर ही है। जी सर, हाँ सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला से मिला था लोग। और आपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड किया था? जी सर, हाँ ऑनलाइन। तो उसको वहां से वेरीफाई किया कि आपने जो डॉक्यूमेंट अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो ऑनलाइन अपलोड किए दोनों सेम है कि नहीं है? हाँ सर, वेरीफाई किया था, फिर बाद में हमको बुलाया था एक ऑफिस में। अच्छा अच्छा जी, फिर उसके बाद सर मतलब सर वहां से जब मेरा आधार कार्ड चेक हो गया तो सेक्शन नंबर 1F रूम था, तो उसमें हमको भेज दिया गया।
और फिर वहां बोला कि एक फाइल मिला, एक मेरा फाइल था तो उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था धर्मेंद्र कुमार सिंह और पापा का नाम सुबोध कुमार सिंह, तो सब लिखा हुआ था। और उसमें मेरा जो सर ऑनलाइन करते समय एक जो मिलता है तो पोस्ट प्रीफेस वाला तो वो भी उसमें था फाइल के अंदर। और हमको बोला गया कि आप देखिए सब टोटल ओरिजिनल प्लस में उसका एक एक फोटो कॉपी और उसमें अपना नीचे साइन कर और दो फोटो और उसके बाद सब जाकर जांच कराइए अभी। अच्छा, तो सर हम अंदर जब गए तो मतलब तीन आदमी चेक कर रहा था सर, मिला तो बारी बारी से मिला रहा था और सब चेक किया लोग और मतलब किसी किसी का सर देखे थे कि वहाँ सीबीटी वाला भी नहीं था एडमिट कार्ड, तो कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा अच्छा, हाँ सीबीटी वाला में कोई दिक्कत नहीं था, बस एक फॉर्म भरना था सर। कभी कभी तो मांग ही नहीं रहे थे सीबीटी का, क्योंकि सर वहाँ पे कोई यूज नहीं है। अच्छा अच्छा जी, बस केवल पीटी वाला होना चाहिए। तो उसके बाद वहां से वेरीफाई कर दिया लोग और बोला लोग कि आप जाकर एक टिकट ले लीजिए 24 रुपए का। तो बगल ग्रांटी रोड के पास में थोड़ा सा आगे टिकट मिल रहा था, टिकट काउंटर था। तो जाकर सबसे पहले हम जाकर सर हम लोग दो आदमी थे, दोनों आदमी टिकट लिए और टिकट लेने के बाद हम फिर जाकर जो एक ऑफिस था उस ऑफिस के अंदर हम लोग घुस गए। तो फिर ऑफिस में से हम लोग को पूछा गया कि आप कहाँ लेना चाहते हैं अपना मेडिकल, कहाँ दीजिएगा। अच्छा अच्छा, तो दो ऑप्शन दे रहा था लोग, एक वलसाद का एक बड़ोदरा का। तो हम तो अपना सर पीटी बड़ोदरा में दिए थे। तो हमको लगा कि बड़ोदरा ही अच्छा रहेगा। अच्छा, तो हम बोल दिए कि बड़ोदरा ही दीजिए क्योंकि बड़ोदरा वहां से दूर पड़ता है। तो फिर बड़ोदरा का हमको मिल गया मेडिकल और बोला गया कि आपको कल 7 बजे वहां सुबह रिपोर्ट कर देना है। अच्छा, तो हम उसी दिन वहां से चल दिए। फिर शाम को ही आ गए थे 6 बजे बड़ोदरा में। फिर एक दिन रात वहीं पे रुक कर फिर सुबह में ही एकदम सुबह चले गए थे मेडिकल देने। अच्छा सर, मेडिकल में एक बात है कि सर मतलब मेडिकल में जो पहले जाएगा उसको बहुत फायदा होगा। कैसे? क्योंकि सर हम 3 बजे सुबह गए थे, मतलब लाइन में रहने पर ना 12 बजे तक क्लियर हो जाता है। अच्छा, हम पहले लाइन में थे तो मेरा 12 बजे तक पूरा मेडिकल क्लियर हो गया। अच्छा, तो वहाँ पे 3 बजे लाइन में गए तो हम सबसे आगे लाइन में लगे हुए थे 4-5 नंबर पे। बहुत बच्चा 108 लड़का उस दिन था सर। अच्छा, तो फिर 3-4 बजे गए तो लाइन से हम लोग फिर ले गया और फिर वहाँ पे साइन उन कराया लोग, फॉर्म एक और दिया लोग और उसको भर कर साइन उन हम लोग जब कर लिए तो फिर बोला गया कि आप यहाँ पे बैठिए। और यहाँ एक सर वहाँ पे कलर, 3 कलर था, वो रेड, हरा और एक और कलर था ब्लैक। तो वही मिल रहा था लेकर के आप ब्लैक वाला में जाइएगा, आप कोई रेड वाला में जाएगा कोई हरा वाला में जाएगा। तो हमको मिला था ब्लैक वाला। तो हम ब्लैक वाला में सबसे पहले हमारा सबसे फर्स्ट में आई चेक किया गया। अच्छा, तो आई में वही मतलब सबसे पहले वो पढ़वाए थे कि अगर आप 35 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो उसके बाद पढ़वाए, एक एक आंख मूंद कर भी पढ़वाए थे। और उसके बाद बोले कि अब सी जो उल्टा नहीं सी दिखाया जाता है सर। हाँ, तो सर उस जी सर जी तो सी दिखाया गया तो सी में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। और उसके बाद बोले कि अब कलर देखना था, 3 कलर बढ़ रहा था और वो बता रहे पूछ रहे थे कि कौन सा कलर है। चश्मा पहना कर भी देखे थे, चश्मा पहनने पर थोड़ा सर धुंधला दिखाई दे रहा था। अच्छा जी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ। और फिर उस पर से एक और चश्मा पहना, बोले कि बताइए कितना लाइट जल रहा है, 4 लाइट उसमें जल रहा था सर। अच्छा जी, तो बताया कि 4 जल रहा है। फिर 2 को ऑफ कर दिया, फिर पूछे कि अब कितना जल रहा है। तो हम बोले कि 2 जल रहा है। अच्छा जी, तो उसके बाद बोले कि देखो अब तो काम करो जल्दी जल्दी, तुम अपना मतलब वही पैक उतारो वहीं पे। तो फिर वही मतलब कोई दोहराए, दोहरा कर वहीं पर मतलब एक राउंड दोहरा कर थोड़ा सा। और उसके बाद कुछ मतलब चेक नहीं किया, बोले कि ठीक है पैंट पहन लो, कपड़ा पहन लो। और फिर हमको बोले कि अब रेफर किए वहां से कि आई सर्जरी में जाइए। अच्छा, तो फिर आई सर्जरी में वहां पे गए तो मतलब वही आई मशीन से चेक किया लोग। और मशीन से चेक किया लोग तो वहां बोले कि ठीक है, मतलब पूछे उजाकर पूछे हमसे कि मैंने बताइए कि आप कहीं आई ऐसी नहीं ना कराए हैं। तो बोले कि नहीं सर मेरा आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वहां से जब वहां से फिट किए तो हमको बोले कि अब जाकर 200 रुपया मतलब अपना लगा कर चेस्ट का एक्सरे कराइए। अच्छा, तो वहां से हमको एक गाड़ी में बैठाया लोग और वहां से ले गया लोग मतलब 1 किलोमीटर दूर पर। और वहां से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चेस्ट का एक्सरे हुआ। और चेस्ट एक्सरे 1 घंटा वहां पे समय लग गया। और फिर वहां से आए तो ब्लड का चेकिंग हुआ। और ब्लड यूरिन टेस्ट वही हॉस्पिटल में ही हो गया था जहाँ चेस्ट दिए एक्सरे था। और ये दोनों काम हो गया। फिर यहाँ पे आए तो मतलब बीपी चेक किया लोग और ये मेरा एक्सरे वाला और अंदर बुलाए और बोले कि देखिए आप फिट हो गए हैं कि आप जाइए घर पे मिठाई खिलाइए हलवाई पूरा ही सब। बस हमको यही डर था कि मतलब फिर क्या पता फिर मेरिट बढ़ जाए तो। नहीं, आपको जॉब आपका पक्का है।
हाँ सर लिए तैयार रहिए। जी सर, तो इसीलिए हम आपका आपसे क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे। अच्छा, नहीं तो ज्वाइनिंग में भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा बच्चा लोग कंप्लीट नहीं हो जाता है ना। जी सर, ज्वाइनिंग नहीं देगा। और कुछ बच्चा लोग को डाउट हो रहा है फ्लैट फूट वाला। हाँ सर, फ्लैट फूट हो रहा था सर। कुछ हो रहा था? हाँ सर, फ्लैट फूट हो रहा था। तो उसमें जो नहीं हो रहे थे तो वहीं पे बाहर कर दे रहे थे। मेरे ग्रुप में सर 108 लड़का थे, मतलब हमारे ग्रुप में तो 20 लड़का साथ में थे। अच्छा अच्छा, तो दो सर लड़का को फ्लैट फूट में रिमेडिकल दिया था। रिमेडिकल मतलब दोबारा बुलाया गया था उनको? हाँ, दोबारा उस सबको बुलाया गया था। बस कलर ब्लाइंडनेस वाला को अनफिट कर रहे हैं वहीं पे, तुरंत अनफिट का सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनको। हाँ सर, दो तीन लड़का को कलर ब्लाइंडनेस में छटा था उस दिन। तो कलर ब्लाइंडनेस में बेसिकली वो चेक क्या करते हैं कलर ब्लाइंडनेस में? सर वही सर जो पढ़ने वाला रहता है ना, 12-13 वाला। अच्छा अच्छा, हाँ तो कोई किताब पढ़वा रहे थे 12-13 वाला, और उस पर से लाइट वाला में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा था लड़का सबको। अच्छा, तो आपका तो चश्मा भी नहीं था? नहीं सर, मेरा चश्मा नहीं था। आपको कौन से कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिया गया, A2 की B1? सर A2 B1 दोनों लिखा हुआ था। मतलब आप तो सबसे टॉप वाला क्वालिफाई कर दिए। A2 सबसे टॉप होता है रेलवे में? हाँ सर, A2 था जी। अच्छा, मतलब आपका मेडिकल बहुत आसानी से हो गया ना? हाँ सर, बहुत आसानी से। और आपका तो पाइल्स और हाइड्रोसिल टेस्ट भी नहीं हुआ? नहीं सर, कोई चेक नहीं हुआ था, ये सब कुछ नहीं सर। कि ये बच्चा मेडिकली फिट है, तो कोई जरूरत चेक करने का? जी सर जी। तो देख कहीं पकड़ लेते होंगे किसका जरूरत है किसकी जरूरत नहीं है ना। जी सर जी। अच्छा, और रुकिए, एक दो डाउट और है बच्चा लोग का, हम पूछ लेते थोड़ा आपसे। जी सर। और ये नोटरी वाला क्या एफिडेविट, जो है कुछ बच्चा बोल रहे थे नोटरी कराएगा कि फर्स्ट क्लास रजिस्टर्ड ऑफिसर कराएगा? मतलब सर ये जैसे कि ओबीसी वाला सर? हाँ, ओबीसी वाला तो कोई भी सर, रेलवे फॉर्मेट या ये जो सेंट्रल, कोई दिक्कत नहीं है उससे। स्टेट कराएगा तो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, सब चल रहा है। सब चल रहा ना? जी सर। गॉल ब्लैडर के बारे में कुछ बच्चा पूछ रहे थे आज। किसके बारे में सर? गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है किसी बच्चे का सर? आई में सर। हाँ तो सर, वही थोड़ा रोसिल में होता है सर गॉल ब्लैडर? नहीं सर, तो ऊपर मतलब थोड़ा मतलब दिखने में नहीं लगेगा तो नहीं पकड़ाएंगे, क्योंकि छू मतलब टच करके नहीं चेक कर रहे हैं। और ये क्या बोलते हैं जिनको री मेडिकल के बुलाया गया, तो फिर उनको कब बुलाया गया री मेडिकल, कितने दिनों के बाद? री मेडिकल वाला को सर बुलाया गया है, एक को दिया था 6 महीना सर। अच्छा अच्छा जी। और एक लड़का को दिया था 5 महीना। अच्छा, सबका अलग अलग टाइम दे रहे हैं ना? जी सर, किसी को दिसंबर में बुलाए, किसी को नवंबर में बुलाए हैं। और यूरिन तो खैर वो तो सैंपल लेकर के। हाँ सर, चेक हो रहा क्या दांत? नहीं सर, टीथ चेक नहीं हो रहा है सर। टीथ चेक नहीं हो रहा है, ईयर भी नहीं हो रहा है सर। आज आप हमारे लाइव डाउट सेशन में थे ना? जी सर जी। और कुछ बच्चा लोग डाउट पूछ रहा होगा जो आपको लग रहा होगा इसका जवाब आपको पता हो तो वैसा कुछ? सर वही देखे थे कि सीबीटी वाला खूब पूछ रहा था लोग, लोअर पार्ट वाला। अच्छा अच्छा, और ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट वाला बच्चा लोग, उसके भी बहुत परेशान है। हाँ सर, उसका तो एक कागज है जो SC ST से है, तो उनको तो कागज वहाँ पे चेक कर रहा है। अच्छा जी। नहीं, जैसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट बहुत सारा बच्चा फॉर्म फिलअप कर दिया और फीस में भी छूट ले लिया 500 की 250, अब उसका 50,000 से कम का इनकम बन ही नहीं रहा है। सर हम लोग के ग्रुप में सर एक लड़का था, तो बनवा कर ले गया था FIR, क्या पता अब डेबिट होता है ना सर। अच्छा अच्छा। हाँ तो उसका हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, कानपुर का एक लड़का था उन्हीं का, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ सर उनको। मतलब कि DV में आपका बायोमेट्रिक मैच कर गया और जो भी आपका मिस्टेक उसके लिए डेबिट लेके जाते हैं, तो फिर आपका काम बन जाएगा। हाँ सर, DV में कोई दिक्कत नहीं, बस बायोमेट्रिक सर मैच करना चाहिए। बाद बाकी आपका जो भी मिस्टेक है तो सब कुछ आपका लगभग निकल जाएगा सर। डॉक्यूमेंट में मतलब सर समझिए कि किसी को नहीं छाट रहे हैं। और लोग कैसे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में, कोऑपरेटिव थे, थोड़ा स्ट्रिक्ट थे? हाँ सर, मतलब वहाँ तो बहुत मस्त आदमी थे, कोई किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, नहीं तो सभी लोग बोल रहे कि अच्छे ही थे, जैसे मुरादाबाद में बात हुआ, लखनऊ में बात हुआ, अभी आपका मुंबई में बात हो रहा, दिल्ली में खुद ही गया था। जी जी सर। अच्छा, मतलब सर समझिए कि वहाँ पे इतना कोऑपरेट बहुत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अच्छा जी। तो आप पूरे इस इंटरव्यू प्रोसेस को, DV प्रोसेस को, रेलवे को 10 में कितना स्कोर देना चाहेंगे? सर 10 में 10 देना चाहेंगे सर। वाह, चलिए बहुत बढ़िया। और अब अपने तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे बच्चों को, जो बच्चे भी DV में जाने वाले हैं या किसी अदर जोन में जाने वाले हैं? सर वही कि मतलब एक दिन वो लोग पहले जरूर पहुंचेंगे सर। ठीक है, एक दिन पहले पहुंचेंगे, अगर 9 बजे बुलाया सर तो 5 बजे जाकर लाइन में लग जाएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। और उसके बाद कागज उगज अपना, जैसे कि मतलब जो ओरिजिनल हो गया मार्कशीट और मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र होता है, 1 साल बाद मिलता है, तो वो वाला E2 को जरूर ले जाना है सर। ठीक है। और मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल पर भरे हैं तो अपना वो भी दिखाएंगे। अच्छा। और आधार कार्ड फोटो यही होना चाहिए सर। अच्छा जी। और कोई दिक्कत तो सर नहीं हो रहा है हमारे हिसाब से। चलिए, और भी कुछ इधर बच्चों का डाउट होता है तो जी सर, बच्चों का वेलकम रहेगा, मैं आपको कॉल करके। अभी आप घर पहुंच गए ना? जी सर, घर पहुंच गए सर। चलिए,
तो इस वीडियो को भी हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अगर फिर भी किसी भी बच्चे किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ क्या नाम बता, धर्मेंद्र जी रहेंगे, मैं आपका डाउट को धर्मेंद्र जी से पूछ करके क्लियर कर दूंगा। चलिए, आपने मुझे इतना टाइम दिया धर्मेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। वेलकम सर, वेलकम।